हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। आओ इसमें दिखाऊँ क्या क्या लगेगा। ये है ब्राउन ब्रेड और जो इसमें पड़ेगा मैं दिखाती हूँ आपको। ये है थोड़े से चिली फ्लेक्स आधी चम्मच, ये है थोड़ा नमक और ये है काली मिर्च। काली मिर्च कितनी है? आधी चम्मच है। और ये है मेयोनीज और ये है पिज़्ज़ा सॉस और ये है केचप। और इसमें क्या क्या पड़ेगा, ये एक हरी मिर्च, 5 से 6 कली लहसुन की, एक प्याज है जे, और ये एक थोड़ी सी पत्ता गोभी, एक शिमला मिर्च है ये, और एक टमाटर, 2 बॉल किए हुए आलू है ये, और ये 2 क्यूब्स चीज की है। ये को मैं छोटा छोटा काटती हूँ। तो गाइस हमारी सब्जी कट चुकी है, जैसा आप देख पा रहे हैं, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च पत्ता गोभी आलू और ये रहा हमारा चीज, सब छोटा छोटा मम्मी ने काट लिया है। और मम्मी हम क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा प्याज को भून के इनको थोड़ा सा कढ़ाई में फ्राई करेंगे। कढ़ाई अब हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें डाल देंगे घी 1 और ये आधा चम्मच, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच करीब मक्खन। मक्खन से इसमें हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे प्याज। और प्याज को हमको ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि हमें इसमें थोड़ी ही भूननी है प्याज, ज़्यादा भुनी हुई प्याज इसमें ज़्यादा कोई अच्छा नहीं टेस्ट आता इसका। प्याज हमारी भुन चुकी है, थोड़ी ही भुनी है हमने, अब इसमें डालेंगे आलू। आलू भी हमें थोड़े ही भूनने हैं क्योंकि ज़्यादा आलू को भी ज़्यादा भूनने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से भुन जाए आलू हमारे पास। आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये हमारे आलू और प्याज भुन चुके हैं, अब इसमें हम गैस बंद कर दिया। अब इसमें ऐसे ही डाल देंगे हम, हमें इनको भूनना नहीं है, खाली बस ऐसे ही करना है, बस खाली गर्म करना है, बस मतलब इनको ऐसे ही चटकाना है। जो गैस अभी इसका कढ़ाई गर्म है ना, उसमें ही सिक जाएंगे ये। हमें ये कच्चे ही रखनी है सब्जी, कच्चापन जो आएगा ना सैंडविच में उसका ही टेस्ट अच्छा आएगा, इसमें कोई भी पकाने की हमें सब्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो हमारी सब्जी अच्छी तरीके से सब मिक्स हो चुकी है, अब इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए, जो चिली फ्लेक्स और नमक और काली मिर्च। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक अपना ही होता है उसमें, आधी चम्मच नमक है। हाँ वो आधी चम्मच है बस, ज्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि जो डालेंगे ना सॉस वॉस इनमें सब में नमक ही होता है। अब हम डाल रहे हैं अगला क्या, अगली क्या, कौन सी सॉस है ये? पिज्जा सॉस है ये, शॉप में मिल जाती है। 1 चम्मच ठीक है, 1 चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा, 1.5 चम्मच सॉस है। हाँ और इतनी ही हम डाल देंगे मेयोनीज, 1.5 चम्मच मेयोनीज डाल दी, और 1.5 चम्मच डाल देंगे टमाटर केचप, 1.5 चम्मच टमाटर केचप डाल दिया हमने। देखिए 1.5 चम्मच टमाटर केचप है, अब इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे इसमें सारे मसाले और सॉस को। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, पर देखिए जब हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। अब हमारा जो पेस्ट तैयार हो चुका है, हमें सैंडविच भरने की तैयारी करते हैं, चलो दिखाते हैं आपको। बस इसको इसमें ऐसे लगाना है, हमें जितना आप खाना चाहो उतना लगा लो, अपने अपने ऊपर है कोई कितनी खाना चाहता है सब्जी को। ऐसे करके लगा दो इसे आराम से, कोई ऐसी वो नहीं है जल्दी। अब जो हमने भर दिया है ये, अब इसमें डालेंगे हम चीज़ डाल दिए इसके ऊपर। चीज तुम जितनी अपनी पसंद है उतनी खा सकते हो, उस पर डाल के बढ़ती है उतना ही टेस्ट है। ये हमें ऐसे करके इनको ढक के इस पर अब चढ़ा देंगे हम फ्राई ये तवा। बस इसमें बटर और इसमें थोड़ा घी डाल दिया, अब डालें थोड़ा मक्खन, मक्खन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। ब्रेड को सेकने के लिए ना, ब्रेड को सेकने के लिए, और हमें कम गैस पे, कम पे रखनी है वो, हमें नहीं ब्रेड जल जाएंगे और चीज हमारी पिघल नहीं पाएगी, कम गैस पे रखेंगे ना चीज अंदर से अच्छी से पिघल जाएगी अच्छे से। अब गाइस इसको सेकने, ब्रेड को दोनों तरफ से, हाँ और कम गैस पे सेकने, हमें चीज अंदर से पिघलानी है ये, ठीक है। तो गाइस हमारे देखिए ब्रेड सिक चुके हैं, हमारे जो सैंडविचेस हैं और हमारे ये सर्व करने के लिए तैयार है। मम्मी इनको काट देंगी 4 पीसेस में, हाँ। आपको दिखाता हूँ कैसे लगते हैं देखो। तो गाइस हमारे देखिए सैंडविच तैयार हो चुके हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, ये हमारी शेफ। एक बार ट्राई जरूर करें, खा के बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना ना भूलें।